गाइज आपके डेली मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि Redmi Note 9 में हमें MIUI 13 प्लस Android 12 का स्टेबल अपडेट इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं इस टॉपिक में मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर आपके जो भी वीडियो में डाल रहा था, चाहे कोई सी भी टॉपिक की वीडियो डालूं, आपका ये कमेंट मुझे ज़रूर से देखने को मिलता था कि अभी तक Redmi Note 9 में Android 11 या Android 12 पे कब अपडेट होगा, MIUI 13 का अपडेट इंडिया में कब आएगा। तो ऐसे ये वीडियो मुझे इसीलिए बनाना पड़ा और मेरे पास अब वैलिड रीज़न भी है जिसके बारे में आपको बता दूंगा कि यार MIUI 13 का अभी तक Redmi Note 9 में हमें क्यों देखने को नहीं मिला है, साथ में हमें एक्सपेक्टेड डेट क्या रखनी चाहिए कि MIUI 13 प्लस Android 12 हमें Redmi Note 9 में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर होंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक डेट बताई थी कि सितंबर स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल जाएगा, पर तब भी क्यों नहीं मिला है, सारी चीज आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखना। लाइक हम रखते हैं 400 लाइक्स का, आशा करता हूं आप कंप्लीट कर दोगे। और Redmi Note 9 के यूजर हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, छोटी से छोटी अपडेट्स, हम सारी अपडेट्स Redmi Note 9 की कवर करते हैं। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं Redmi Note 9 में MIUI 13 का अपडेट इंडिया में अभी तक देखने को क्यों नहीं मिला है। तो गाइस इसका एक वैलिड रीजन है जो कि मुझे आज ही पता चला है, इसलिए मैं आपके लिए आज ही वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसका एक वैलिड रीजन निकल के आया है। तो आप देख सकते हो ये वीक 11 का MIUI 13 ग्लोबल रोम का चेंज लॉग है एंड्रॉइड 12 वाला। तो आपको मैं यहां पे अगर नीचे करके दिखाऊं तो यहां पे लिखा हुआ है MIUI 13 एंड्रॉइड 12 अपडेट इंफॉर्मेशन। तो अगर यहां पे आप देखोगे इसमें काफी सारे है Redmi 9T, Redmi Note 9 Pro, तो ग्लोबल में यहां पे रोल आउट होना धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है इन सभी डिवाइस में। और यहां पे Redmi Note 9 का भी नाम है जो कि है SJOMIXM, जो कि हमारे Redmi Note 9 का ही कोड नेम है। और यहां पे आप देख सकते हो इसका जो वर्जन है 13.0.1.0। और आपको पता ही है गाइस ये जो अपडेट है वो ग्लोबल में ऑलरेडी एक महीने पहले ही रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका था ग्लोबल के डिवाइसेस में, और ये उसी का कोड नेम है SJOMIXM। और देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ हैज बीन पुल्ड ड्यू टू सिस्टम एरर्स, मतलब इसमें सिस्टम एरर्स देखने को मिल रहे हैं इस वाले अपडेट में जो कि ग्लोबल में निकाली गई थी, और इसी वजह से इसे वापस निकाल लिया गया, मतलब वापस ले लिया गया है, जो ग्लोबल में अपडेट आया था उसे वापस रोल बैक कर लिया गया है। और उसके लिखा हुआ न्यू अपडेट इज रोलिंग आउट टू द सिलेक्टेड Redmi Note 9 यूजर। तो इन्होंने लिखा है कि Redmi Note 9 यूजर्स के लिए, सिलेक्टेड यूजर्स के लिए अभी ग्लोबल में अपडेट को रोल आउट होना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाके ये इंडिया में आएगा। ये तो आपको पता ही है, पहले ग्लोबल में आएगा फिर इंडिया में आएगा। तो गाइस यहां पे काफी सारी चीजें देखने को मिल रही थी जैसे सिस्टम लैग या हैंग विन डेली यूज प्लेइंग गेम्स, Redmi Note 9 का भी नाम है, यहां पे सिस्टम लैग देखने को मिल रहा था, उसके बाद हैंग देखने को मिल रहा था। इसी वजह से जो MIUI 13 का अपडेट है वो ग्लोबल में वापस से ले लिया गया है। और मेन प्रॉब्लम इसकी यही थी, किसी किसी को सिम कार्ड में एरर देखने को मिल रहा था। तो गाइस ये सारी मेन प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से MIUI 13 का अपडेट अभी तक इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करा गया है। अगर उसमें कोई इशू आ रही है तो दे हुई मत अपडेट, क्योंकि यार इस अगर MIUI 13 का अपडेट आ जाता है और सोचो उसमें काफी सारे बग्स आ गए तो क्या ही फायदा है उस अपडेट का, आप दिखाने के लिए MIUI 13 Android 12 होगा और वो Android 11 से भी खराब चल रहा होगा, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं MIUI 13 की जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है विद Android 12 वो क्या हो सकती है। तो यार देखो जब तक इनका बग्स फिक्स नहीं होगा तब तक आपको इंडिया में अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से कम 15 दिन का तो टाइम और लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है एक हफ्ते में भी आ जाए। पर जब भी अपडेट आएगा मैं आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो बताता हूं वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में बताता हूं, इसे बिल्कुल सीरियस मत लेना, क्योंकि ये बस मैं गेस कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक किसी को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि बग्स देखने को मिल रहे हैं, जब तक वो फिक्स नहीं होंगे तब तक अपडेट नहीं आएगा। पर जैसे ही अपडेट आ जाएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन, साथ में फुल रिव्यू, हर एक चीज, अगर कोई बग्स हो गए वो भी आपको बताऊंगा। और एक बार आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा, जैसे ही अपडेट है उसे अपडेट मत कर लिया करो, काफी कबार उस अपडेट में जो काफी सारे बग्स भी देखने को मिलते हैं, तो मेरे फुल रिव्यू का वेट जरूर से करा करो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।